जिले गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों और सेवा परिकल्पों के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि रावण के पिता विशर्वा ने यहाँ कठोर तप किया था। पुराणों में हर नंदी नदी के किनारे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन भी मिलता है। कहा जाता है कि रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, यहाँ छोटा कैलाश भी यहाँ पर है और ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में शिव जी का जटाओं में जो गंगा की छोटी बहन है वो भी हरनंद नदी भी है इसके किनारे पर, और ये विशेष रूप से गजप्रस्थ क्षेत्र में भगवान दुधेश्वर विराजमान है, दुधेश्वर का। तो ऐसा तो बहुत पुराना शिवलिंग है ये, तो यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, ऋषियों ने भी पूजा किया, मनुष्य ने भी किया, स्वयंभू शिवलिंग भी है। तो तीन लिंगों का अलग अलग स्वरूप जो है इसमें वो दर्शन का फल प्राप्त होता है। कालांतर में जैसे बोलते हैं भाई काशी विश्वनाथ रूप का उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में भी है ये, कालांतर में फिर क्या हुआ कि वो लुप्त हो गया, तो उस समय में फिर यहाँ पर ये जो केला गांव है और इधर की गाय आती, और गाय आते तो उसी जगह पर दूध गिरता था, तो लोगों ने बोला भाई जो ये गाय है दोपहर के समय में यहीं पर आके दूध इसको क्यों गिरता है। पहले वो गोले के ऊपर भी चोरी का आरोप लगाया, गांव वाले भाई दूध चुरा लेता है क्या करता है, फिर लोग गांव वाले पीछा किया है रोज रोज क्या है, तो ये जगह पर आके अपने आप दूध गिरता था, तो यहाँ पर खुदाई किया तो ये स्वयंभू शिवलिंग निकला। तो बोलते हैं कि भगवान शिव जो है जैसे हम लोग का अलग अलग नाम होता है, तो किसी का शर्मा किसी का सिंह वो सरनाम है, तो वैसे शिव का सरनाम है ईश्वर, नागवान से प्रसन्न होने वाला ईश्वर नागेश्वर, राम का राम से प्रसन्न होने वाला ईश्वर रामेश्वर है जी। तो इस तरह से ये है दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर है जी, दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर, तो ऐसे ही इसका दुधेश्वर का ये नाम पड़ा। कालांतर में हर नंदी नदी का नाम हिंडन हो गया और हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग भी दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित स्वयंभू देवीय शिवलिंग है। इस मंदिर का मुख्य द्वार एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दरवाजे के मध्य में गणेश जी विराजमान है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। दुधेश्वर महादेव के लिए एक कथा प्रचलित है। पास ही के गांव केला की गाय जब यहां चरने के लिए आती थी तब टीले के ऊपर पहुंचने पर स्वतः ही दूध गिरने लगता था। इस घटना से अचंभित गांव वालों ने जब उस टीले की खुदाई की तो उन्हें वहां पर यह शिवलिंग मिला। गायों के दूध से अब सचित होने के कारण यह दुधेश्वर या दुधेश्वर महादेव कहलाए। 550 वर्षों की श्री महंत परंपरा के अनुसार श्री पंत दशनाम जूना अखाड़ा और वेणीगिरी जी महाराज यहाँ के सबसे पहले महंत हुए। 15 महंत यहाँ पर हुए और कहा जाता है कि जो हसनापुर है वो यहाँ से 40 किलोमीटर सीधा जाएंगे तो 40 किलोमीटर का आसपास पड़ेगा। तो हसनापुर में जब अपने धर्मराज की जो सभा लगती थी तो यहाँ का महंत उस सभा में भी जाते थे, ऐसा इतना पुरातन यहाँ पर इसको मानता है। और रावण ने जो 10 शीश चढ़ाए एक शीश यहीं पर भेंट किया। रावण का पिता विसर्ग गांव थे यहाँ रहते थे, तो विसर्ग में रावण के पिता ने इस शिवलिंग को स्थापना की सबसे पहले प्राचीन काल में। सबसे पहले विश्वसर्वा ने इस लिंग को स्थापना किया। विश्वसर्वा का पूजा, फिर उसके बाद कुंभकर्ण है, रावण कुबेर ये सब लोग यहाँ पर पूजा किया। तो कुबेर ने पूजा किया तो कुबेर ने बोले तो कि ये गाय का थन है, वो गाय के थन के अंदर में शिवलिंग है, हिरण्यगर्भ मतलब सोने का जो होता है सोने का गड्ढा बना हुआ, सोने का गड्ढा है तो हिरण्यगर्भ सोने का गड्ढे के अंदर में शिवलिंग रखा हुआ है, तो इसको दुधेश्वर मंदिर के रूप में ऐसा प्राप्त है। और यहाँ पर बहुत से सिद्ध संत हुए हैं, उनके
की भी कई चमत्कार है, जैसे इलाची गिरी जी महाराज है, ग्रीम गिरी जी महाराज है। एक यहाँ पर प्राचीन कुआ है जिसमें तीन अलग अलग रंगों का उसमें जल होता था। पहले समय में थोड़ा सूख गया है, पहले दूर के जैसा भी गंगा जी और यमुना जी तीनों रूप में। 1511 से 2043 तक 15 महंत रहे। इन सभी की समाधियां मंदिर प्रांगण में है। वर्तमान में सोल में श्री महंत नारायण गौरी श्री रुद्रेश्वर नाथ मठ मंदिर में पीठाधीश हैं। इस मंदिर में एक धूना जलता है जिसके बारे में मान्यता है कि यह कलयुग में महादेव के प्रकट होने का समय से ही चलती रही है। यहाँ एक कुआं भी है जिसे पानी का स्वाद कभी मीठा तो कभी गाय के दूध जैसा हो जाता है। त्रिसंध्या हमारा इधर होता है, त्रिसंध्या हमारा रुद्रेश्वर वेद विद्यापीठ है जो यहाँ पर वेद पढ़ाया जाता है बच्चे हैं। तो त्रिसंध्या पूजा यहाँ अलग अलग तीन टाइम की पूजा भगवान का अभिषेक होता है। अभी आपने देखा कि आपने भगवान का अभिषेक किया, तो ऐसा अभिषेक जो है भगवान का अष्टाध्याय से प्रतिदिन यहाँ पर प्रातःकाल दोपहर को और रात्रि काल तीन अभिषेक अलग अलग रूपों में यहाँ रुद्रेश्वर का होता है। उत्तर भारत का और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख पीठ है रुद्रेश्वर नाथ भगवान का। यहाँ जो है बहुत दूर दूर से भगत पूरे देश के अंदर से आते हैं, कांवड़ लेके गंगोत्री से, गौमुख से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, बिरजगढ़ से, अलग अलग जगहों से गंगा जल को लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को बोलते जल मूर्ति नमो, एक जल के रूप में भी उनका नाम है, तो जल मूर्ति रूप जल से भी प्रसन्न होने वाले हैं। माँ गंगा है, गंगा इसीलिए पवित्र है कि वो गंगा जल नहीं है, वो अमृत है। अमृत है तो अमृत कभी भी गंदा नहीं होता। वो लोग बोलते भाई कि ये गंगा जल को 12 साल रखो तो खराब नहीं होता है, 12 साल नहीं, आप 1000 साल रखो तभी भी खराब नहीं होने वाला। परंतु आज के समय में जैसे गंगा में बहुत से नाले मिल गए हैं और जो मूल है स्रोत, क्योंकि निर्मल गंगा अविरल गंगा, निर्मल गंगा अविरल गंगा, ये जो बांध जगह जगह बांध दिया गया सरकार ने चाहे किसी ने भी और बहुत जगह पर बांध बांध दिए हैं, तो वो नदियों का जो धारा है रोक लिया है। तो प्राचीन समय में हमारी संस्कृति थी कि जो बड़े बड़े शहर थे वो नदियों के किनारे थे। अब क्या हुआ कि नदी और नाले, नदी नाले के रूप में परिवर्तन हो गई, तो जगह जगह जो है जो आपका पहले जैसा सिस्टम बना तो जितने भी नगर पालिका या नगर निगम है उनके जितने भी गंदे नाले हैं वो टट्टी पैसा का जितने भी वो सब नदी की तरफ। तो ये कुछ सोचा अभी बहुत दिन बाद में कुछ सोचा विचार आया तो अभी गंगा का शुद्धिकरण हुआ, जो अभी भी बहुत पूर्ण रूप से पहला इसके ऊपर भी जितने भी बांध है वो बांध सब खत्म होने चाहिए और निर्मल गंगा अविरल गंगा अगर रहेगी तो पहले जैसा ही गंगा जल का माँ से, जैसे मान लीजिए कि आपका गौमुख से लेकर कलकत्ता गंगा सागर तक मिलने तक इस सागरों का, सागर के 60,000 पुत्रों का उन्होंने उद्धार किया भागीरथ गंगा जी को लेकर आए, तो ये भगवान विष्णु के चरण में निकला। विष्णु के चरण के बाद में ब्रह्मा जी के कमंडल में आया, ब्रह्मा जी के कमंडल के बाद में भगवान शिव के जटा में समाया। तो ये तीनों का रूप इसके अंदर है, त्रिदेवियों का भी तीन रूप की है इसके अंदर में। तो गंगा एक बहुत महान नदी है, हमारा जो वैदिक संस्कृति बोलते हैं, वैदिक कल्चर है, संस्कृति है, तो गंगा एक अभी भी पूर्वांचल के अंदर में जाते हैं और कोई गांव में पंचायत होती है तो गांव पंचायत में बोलते हैं कि भाई ये बेटी पवित्र है गंगा के, जैसे ऐसा बोल दिया तो वो खत्म हो गया भाई वो ये पवित्र है, तो वो लोग गंगा का कसम खाते हैं, पकवान खाते हैं। तो गंगा एक संस्कृति है, एक कल्चर है और वो हमारे जीवन धारा है, हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इसके किनारे रहने वाले किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबको गंगा प्यास बुझाती है। परंतु कुछ सरकारों ऐसी नीतियों से जो इसका रूप विकृत हुआ है, तो इसको भी बहुत कुछ हमारे जो लोग है और जो गंगा के भगत है उनको भी प्रयास करना है कि उनको भी सरकार के ऊपर छोड़ना भरोसा ठीक नहीं है। पब्लिक का, लोगों का भी एक तरह से उनके प्रति जितना श्रद्धा है कि भाई पूर्णमासी को, अष्टमी को, अलग अलग त्योहारों में जाके गंगा जी का स्नान करते हैं, तो गंगा को शुद्ध रखने का भी सबका प्रयास, समूह प्रयास होने से गंगा पहले जैसे ही उसका पवित्र होगा, निर्मल होगा। तो गंगा माँ का बहुत महिमा है, बहुत वर्णन है और हमारा भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म के अंदर में कोई भी व्यक्ति का शरीर पूरा होना, किसी भी जाति का हो शरीर पूरा होना है तो बोले फूल को हरिद्वार में समर्पित कर दो कि भाई गंगा जल में ही हो जाने से उसका मुक्ति हो। तो ये गंगा जैसा
महान नदी है, उसका तो वंदन करना चाहिए। तो एक बहुत वैदिक नदी है, प्राचीन काल में है, गंगा है, सिंधु है, सरस्वती है, ऐसे बहुत प्राचीन नदियां हैं। तो ये अभी नदियों का बहुत स्वरूप जो है विकृत हो गया है, तो उसको सुधारा करने के लिए सभी समूह प्रयास होने से सरकार का भी हो, हम लोगों का भी हो, तो बहुत अच्छा होगा। तो ये गंगा जल लेकर यहाँ कांवड़िया आते हैं, भगवान शिव को गंगा जल को चढ़ाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं शिव को। तो सावन के महीने में पूरा एक हफ्ता, मतलब पूरा जो है वो यहाँ से हरिद्वार तक जो है पूरा बम बम भोले बोलते हुए सब भोले लोग आते हैं, गंगा लेकर बच्चे भी होते हैं, वृद्ध भी, बच्चे भी, सभी लोग जो है गंगा जी का बहुत ही महिमा है। और यहाँ आके भगवान शिव को चढ़ाते हैं, दूध से भी प्रसन्न होते हैं, जल से भी होते हैं। और सबसे बड़ा होता है कि व्यक्ति का श्रद्धा, भावना, तो वो भावना हो, श्रद्धा हो, और उसके साथ साथ में उसका समर्पण होता है, अपने आप ही तो उसका ऑटोमेटिक रूप से भगवान का उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की गौशाला में लंबो गाय है, जो उन गायों की ही वंशज है जिन गायों का दूध अपने आप शिवलिंग पर चढ़ता था। इस मंदिर के प्रांगण में औषधालय भी है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद से गरीबों का मुफ्त इलाज करना। यहाँ वेद विद्यापीठ भी है, जिसकी स्थापना श्री शंकराचार्य जयंती वर्ष 2002 में की गई थी। इसके अंतर्गत मंदिर प्रांगण में 20 कक्षाओं वाली श्री दूधेश्वर विद्यापीठ का शुभारंभ किया। इस विद्यापीठ में पूरे भारत भर से आए 50 से अधिक छात्र गुरुकुल परम्परा के अनुसार विद्या अध्ययन करते हैं। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय भी है, जिसमें 800 से भी लगभग अधिक ग्रंथ मौजूद हैं। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटी रहती है। दूर दूर से कांवड़ लेकर आने वाले भक्त दूधेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद इस गुरु के रूप में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी था। मंदिर बहुत ही पुराना है और प्राचीन संस्कृति साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। आए दिन यहाँ पर्यटन के प्रचार में बढ़ोतरी होती रहती है, साथ ही आसपास के जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जोर देने के लिए जोर दिया गया।